सो हेलो गाइज, वेलकम टू बैक मैरी टाइम पवन। सो गाइज, आज बहुत अच्छी गुड न्यूज है फॉर न्यू कैंडिडेट जो जीप राइटिंग करना चाहते हैं। तो उड़ीसा मैरी टाइम अकेडमी का जो फॉर्म है वो रिलीज हो चुका है और ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है जीप राइटिंग के लिए। अगर आप जीप राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और जो इसका लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है। 30 अप्रैल से पहले आपको फॉर्म को फिलअप करके उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी का जो एड्रेस है वहाँ तक कुरियर या स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको पहुँचाना है। सो गाइज, इस कॉलेज के बारे में बेसिक बात कर लेते हैं। तो ये उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी जो कॉलेज है ये उड़ीसा में पड़ता है और इसका जो सीट है वो 40 यानी कि 40 सीट रहता है और प्लेसमेंट रिकॉर्ड यहाँ का बहुत ही अच्छा है। 90-80% यहाँ पर प्लेसमेंट होता है और इस फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है। और फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, कैसे फिलअप करना है, जो भी है पूरा वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कैसे फॉर्म को डाउनलोड करना है। सो गाइज, इसका हम फीस की बात कर लेते हैं। जो फीस इसका है, जो उड़ीसा के कैंडिडेट हैं उनका फीस है 1,25,000 रुपये पूरा 6 मंथ के लिए। आपका रहना खाना सब उसी में इंक्लूड रहता है। और जो नॉन उड़ीसा यानी कि जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उनका जो फीस है वो 1.45 यानी कि 1,45,000 रुपये है। सो गाइज, बात कर लेते हैं एज की। तो एज आप इसमें रहेगा 17 to 25 ईयर्स और अगर आप एससी और एसटी से हैं तो आपका 30 ईयर्स तक फॉर्म फिल कर सकते हैं यानी कि 5 ईयर्स का आपको छूट रहेगा। अगर आप ओबीसी हैं तो आपका 28 ईयर तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपने कोई ग्रेजुएशन किया है, कोई डिप्लोमा आपने किया है, कोई डिग्री किया है तो आप 27 ईयर्स तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एजुकेशन की बात कर लें तो 10th पास आपका होना चाहिए विथ 40% इंग्लिश मार्क के साथ। ओवरऑल भी आपका 40% होना चाहिए और इंग्लिश में भी 40% होना चाहिए। और अगर आपका 10th में 40% इंग्लिश में नहीं है और 10th+2 में आपका इंग्लिश में 40% है तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आपका इस फॉर्म के साथ में DD जो आपको बैंक से डायमंड ड्राफ्ट बनता है वो आपको बनवा के सेंड करना है 500 रुपये का। वो कैसे क्या करना है मैं आपको जब फॉर्म कैसे फिल करना है वो बताऊंगा तो उसमें आपको मैं पूरा डिटेल्स दे दूंगा। तो गाइज, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हैं और अब इंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो जीप रेटिंग के बाद आपका प्लेसमेंट का भी बहुत ही अच्छा चांस है। और बहुत ही अच्छा कॉलेज है जीप रेटिंग के लिए। ओनली 40 सीट है और प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। तो चलिए, बिना देर किए हुए आपको मैं डायरेक्ट लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे आपको फॉर्म को डाउनलोड करना है, कैसे आपको फिल करना है और क्या क्या आपको अटेस्ट करना है। तो चलिए। सो गाइज, आपको उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी टाइप कर देना है और टाइप करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका पेज ओपन होगा। और ओपन होने के बाद में वो फर्स्ट वेबसाइट है www.odishamaritime.com, इसी पे आपको सर्च कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा और ओपन होने के बाद इधर आपका आप देख सकते हैं एडमिशन नोटिस, यहाँ पे आप नोटिस पढ़ सकते हैं। और सेकंड नंबर पे दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म July to December 2022। तो यहाँ से हम एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद कुछ इस प्रकार से ये फॉर्म है और यहाँ से आप फॉर्म को देख सकते हैं उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी। यहाँ से आपका कोड नंबर फॉर ओपीसी ओनली, यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है। इधर आपका फ़ोटो रहेगा, एफिक्स योर लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ विद प्लेन बैकग्राउंड, आपका यहाँ पे फ़ोटो रहेगा विद प्लेन बैकग्राउंड का आपका फ़ोटो यहाँ पे रहेगा। यहाँ आपका नेम ऑफ कैंडिडेट एज रिटन इन बोर्ड सर्टिफिकेट, जो आपका बोर्ड सर्टिफिकेट है उसमें जो आपका नाम मेंशन है वही नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, यहाँ पे मतलब डेट मंथ और ईयर। इधर आपका पासपोर्ट नंबर अगर आपके पास है तो आपको भरना, नहीं है तो आपको छोड़ देना है। सेम इंडोर्स नंबर अगर आपके पास है तो भरना है, नहीं तो आपको छोड़ देना है। यहाँ परमानेंट एड्रेस आपका रहेगा, नेम रहेगा, एट पोस्ट, टेलीफोन नंबर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड नंबर और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इधर भी सेम है, प्रेजेंट एड्रेस इधर जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस आपको यहाँ पे भरना है। इधर आपका नेशनलिटी है, इधर आपका पेरेंट्स का मोबाइल नंबर है, जो आपका आपके पिताजी हैं उनका आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे सेट करना है। आपका फादर्स नेम रहेगा इधर। और इधर एकेडमिक क्वालिफिकेशन
ईयर पास्ड, ओवरऑल इंग्लिश और पीसीएम। टेंथ में आपका जिस ईयर में आपने पास किया है यहाँ पे फिल करना है, ओवरऑल आपका कितना परसेंटेज था यहाँ और इंग्लिश में जितना था वो यहाँ, ट्वेल्थ का यहाँ पे और आईटीआई इधर, और इफ़ एससी एसटी सर्टिफिकेट टू बी अटेस्ट, अगर आपके पास एससी और एसटी अगर आप कैटेगरी से हैं तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ बर्थ रहेगा, यहाँ पे आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी जिस बोर्ड से आपने पास किया है टेंथ ट्वेल्थ या आईटीआई जो भी, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे फिजिकल फिटनेस में आपका हाइट कितना है वो हाइट यहाँ पे और सेंटीमीटर में लिखना है, और वेट आपका किलोग्राम में लिखना है। आई साइट आपका नॉर्मल है, नॉर्मल पे क्लिक करना है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं है नो कर देना है, और आइडेंटिफिकेशन मार्क आपके शरीर में कोई कट दाग वगैरह है वो यहाँ पे शो करना है। यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट सेल रिमिट फीस थ्रू डीडी ओनली, जो आपका फीस 500 है वो आपको डीडी के थ्रू पे करना है, और अदर मोड ऑफ पेमेंट विल बी नॉट बी एक्सेप्टेड, जो अदर मोड में अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। प्लीज़ मेक द डीडी इन फेवर ऑफ उड़ीसा मैरिटाइम एकेडमी, जो आप डीडी बनाएंगे वो उड़ीसा मैरिटाइम एकेडमी के फेवर में होनी चाहिए। पेबल एट पैरादीप, पैरादीप के ब्रांच के लिए आपको डीडी बनवाना है। डिटेल्स ऑफ अप्लीकेशन फीस अमाउंट 500, वो आपको 500 का डीडी बनाना है। इधर आपका डीडी नंबर रहेगा, इधर डेट रहेगा, और ये आपका फॉर ऑफिस यूज ओनली, इधर आपको कुछ नहीं फिलअप करना है, और यहाँ पे आपका नेम रहेगा और कुछ नहीं। इधर आपका सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, इधर आपका सिग्नेचर रहेगा। सो गाइज आपका यही फॉर्म रहा, ऐसे आपको फिल करना है, और आपको डीडी बैंक से बनाना है। बैंक से डीडी बनाने के बाद में आपको, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो उसका फोटोकॉपी और टेंथ और ट्वेल्थ का मार्कशीट को अटेस्ट करके आप स्पीड पोस्ट या कुरियर के थ्रू कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, गुड डे।